हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन रखा हुआ है, रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसको मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, इसमें है तो छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसको सही नहीं किया गया तो ये पूरा पंखा का बैंड बजा देगा, यानी पंखा पूरा ख़राब हो जाएगा, दोबारा इसका यूज नहीं हो सकता अगर इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया। तो दोस्तों, यदि आप घर में भी सीलिंग फैन लगा हुआ है या लगवाने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू। इसको मैं अच्छे से रिपेयर कर लिया हूं और कस्टमर फिर से इसे रिटर्न लेके आ चुका है। कस्टमर का कहना ये है कि ये चलते समय आवाज़ कर रहा है, जबकि मैंने इसकी न्यू बैरिंग लगाया है और नई रिवाइंडिंग फिर से मैंने इसको किया है, लेकिन कस्टमर कहना यह है कि ये फिर चलते समय खर्च खर्च की आवाज़ कर रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर से सुनाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें से खच खच की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं कभी कभी, लेकिन ये अंदर का कोई फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ इसका फॉल्ट है। ये देख सकते हैं, ये ढक्कन इसमें टच है, ये इसकी वजह से यह खच खच की आवाज़ आती है। दोस्तों, आप लोग कभी भी घर में अपने सीलिंग फैन को फिट करते समय इस ढक्कन को, ये जो ढक्कन है, इसको एकदम नीचे बिल्कुल भी ना दबाएं। अगर ये नीचे दबा रहेगा तो ये इसमें धीरे धीरे खच खच करके आवाज़ करेगा, लड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ये जो पल्ला है इसमें स्क्रैच आएगा, धीरे धीरे से आपका ये पल्ला पूरा कट जाएगा, जिसकी वजह से आपका सीलिंग फैन नीचे गिरने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इसमें आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये आपका ढक्कन जो है ये इसमें एकदम बॉडी से टच नहीं होगा। तो मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। इसको टाइट करने के लिए किसी में यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो कस्टमर लोग कभी कभी क्या करते हैं, रिपेयर कराने के बाद इसको ले जाके सीधा टांग देते हैं और ये ढीला रहता है, जिससे कि ये बॉडी से यहाँ पे घिसटता रहता है। इस कटोरे के ऊपर रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तार का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये टेप है, तो मैं टेप की मदद से ये तार का टुकड़ा है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा मोटा सा, तो इसको मैं यहाँ पे टेप की मदद से चिपका दूँगा, जिससे कि ये कटोरा इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। तो मैं इसको अच्छे से चिपका देता हूँ, फिर आपको दिखा कर रहा कि नहीं कर रहा। तो देख सकते चिपक चुका है यहाँ पे, अब ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला, कितना भी दबाओ। तो इस ये जब ऊपर की ओर रहेगा तो ये क्या होगा, बॉडी से टच नहीं होगा, जिससे कि ये सीलिंग फैन कटने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।